हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आईवी कैनुला जो होता है, आईवी कैनुला जिसकी मदद से हम पेशेंट को फ्लूड चलाते हैं, ग्लूकोज चलाते हैं और इंजेक्शन देते हैं, वो सब जो एक इंजेक्शन देने का साधन जो बनता है वो कैनुला के द्वारा बनता है। ठीक है दोस्तों, आज कैनुला के बारे में ही आप लोगों को कुछ जानकारी देने वाला हूँ मैं। जैसा कि जानते हैं कि कैनुला अपना जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट साइज़ का होता है और डिफरेंट डिफरेंट कलर का होता है और उसमें डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी होती है। ठीक है दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन आता है, जैसे कोई भी कैनुला ऐसे दे देगा और पूछेगा कि येलो कलर का कैनुला दे देगा, बोलेगा कितना साइज़ का है ये और इसमें कितना एमएल पर मिनट में कितना एमएल फ्लूड दिया जाता है। तो अगर आप लोगों को याद रहेगा कि कलर के हिसाब से, हमको कलर के हिसाब से याद करना बहुत इम्पोर्टेंट है। कलर ये पीला कलर है, पीला कलर के हिसाब से आप तुरंत इसको पहचानोगे, पीला कलर है तो इसका मतलब कौन सा नंबर है, ये 24 नंबर है। जो 24 नंबर है तो इसका मतलब पीडियाट्रिक बच्चों को यूज होगा। 24 नंबर है तो इसका मतलब क्या होगा, पीडियाट्रिक बच्चों को यूज होगा। ठीक है, और इसका क्या होता है, गेज क्या होता है इसका, इसका जो क्या नाम है, डायमीटर जो होता है 0.7। ठीक है दोस्तों, 0.7 mm होता है, मिलीमीटर होता है। और जो इसका लेंथ होता है वो 19 mm का होता है। ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इसका जो फ्लो होता है, इसका जो फ्लो होता है, ये फ्लो होता है इसका क्या नाम है, 22 ml/min। 22 ml/min के हिसाब से हम इसमें फ्लूड दे सकते हैं। 1 मिनट में 22 ml फ्लूड जाएगा इससे, 24 के कैनुला से, 24 नंबर के कैनुला से। अगर 1 मिनट में 22 ml जाता है तो एक 500 ml का ख़त्म करने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा, कम से कम 23 मिनट। 23 मिनट में हम चाहेंगे तो एक 500 ml का बोतल 23 मिनट में ख़त्म हो सकता है, 23 मिनट के पहले नहीं ख़त्म हो सकता। अगर आप चाहें तो 10 मिनट में ख़त्म कर दें, नहीं हो सकता, क्योंकि उसका फ्लो जो बना होता है उससे ज़्यादा उसमें जाएगा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, और दूसरा आप लोगों को है पीडियाट्रिक कैनुला, एक और आता है जो पर्पल कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है वो कितने गेज, वो 26 नंबर का कैनुला होता है। एक 24 हो गया, एक 26 हो गया, इससे छोटा नहीं आता। 26 नंबर का कैनुला हो गया, वो कौन से कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है। उसका जो फ्लो होता है 10 से 12 ml/min, 10 से 12 ml/min के हिसाब से उसमें क्या करते हैं, फ्लूड हम दे सकते हैं। अगर 10 से 12 ml/min के हिसाब से देंगे तो एक 500 ml का बॉटल ख़त्म करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 26 नंबर के कैनुला में कितना टाइम लगेगा, 42 मिनट। 42 मिनट में हम एक 500 ml का जो आईवी फ्लूड होगा हम ख़त्म कर सकते हैं, कौन से कैनुला में, 26 नंबर के कैनुला में। और 26 नंबर का कैनुला किसको यूज करते हैं, बच्चों को ज़्यादातर यूज करते हैं, छोटे बच्चों को यूज करते हैं। एक हो गया 24 नंबर, एक हो गया 26 नंबर, दो कैनुला जो होता है पीडियाट्रिक में यूज किया जाता है। 24 नंबर का कैनुला किस कलर का होता है दोस्तों, पीला कलर का होता है। 26 नंबर का कैनुला किस कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है। ठीक है दोस्तों, और दूसरा इसके बाद इससे थोड़ा से मोटा कैनुला आता है, वो कितने नंबर का होता है, 22 नंबर का। अब 22 नंबर का कैनुला कौन सा कलर का होता है, 22 नंबर का कैमरा क्या होता है, ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर को आप लोगों को दिख रहा होगा। 22 नंबर का कैमरा जो होता है वो किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। और इसका जो डायमीटर होता है, इसका जो डायमीटर होता है, सारे कैनुला में डायमीटर लिखा होता है, लेकिन आप लोगों को इसका क्या होना पूरा, अगर आप एग्ज़ाम नर्सिंग वगैरह का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं तो कभी कभी इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि इसका डायमीटर कितना होता है। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं मैं, 22 नंबर का जो कैनुला होता है उसका डायमीटर होता है 0.9 mm, कितना होता है, 0.9 mm। और इसका लेंथ जो होता है, इसका लेंथ जो होता है दोस्तों, इसका लेंथ होता है 25 mm। 25 mm का इसका लेंथ होता है, 0.9 mm का इसका डायमीटर होता है। और इसका जो फ्लो होता है, इसको पर मिनट में कितना फ्लो से हम क्या करते हैं, दे सकते हैं इसको दोस्तों, हम 36 मिनट/min, 36 ml जो होता है पर मिनट में, 36 ml हम इसमें आईवी फ्लूड दे सकते हैं, कौन से कैनुला में, 22 नंबर का कैनुला। 22 नंबर का कैनुला हम कैसे पहचानेंगे,
ये हमारा ब्लू कलर का कैमरा है। ब्लू कलर देखते ही हम तुरंत पहचान जाइए कौन सा साइज़ का है कैमरा, 22 नंबर का है। 22 नंबर में क्या नाम है दोस्तों, आई वी फ्लूड कितना पर मिनट के हिसाब से दे सकते हैं, कितना ml पर मिनट के हिसाब से, 36 ml पर मिनट के हिसाब से हम दे सकते हैं। अगर 36 ml पर मिनट के हिसाब से हम आई वी फ्लूड दे रहे हैं तो एक बोतल को हमारा कितना मिनट में ख़त्म होगा, 14 मिनट, 14 से 15 मिनट में क्या होगा, एक 500 ml का बोतल आप 22 नंबर के कैनुला से ख़त्म कर सकते हैं। 22 नंबर के कैनुला से 14 से 15 मिनट में आपका आई वी फ्लूड ख़त्म हो सकता है, कौन से कैनुला से, 22 नंबर के कैनुला से। और दोस्तों इससे बड़ा थोड़ा आता है, वो आएगा कौन सा नंबर का, 20 नंबर, 20 नंबर का कैनुला कौन से कलर का होगा, पिंक कलर का होगा। पिंक कलर का देखते ही आप तुरंत पहचान जाओगे कौन सा नंबर का है कैनुला, 20 नंबर का कैनुला है दोस्तों। अब 20 नंबर का कैनुला का डायमीटर कितना होता है दोस्तों, 20 नंबर का जो कैनुला होता है उसका डायमीटर होता है 1.1 mm, और लेंथ क्या होता है, लेंथ जो होता है इसका 32 mm का होता है, 32 mm का इसका लेंथ होता है दोस्तों। और जो इसमें हम फ्लो देते हैं, जो इसमें हम आई वी फ्लूड देते हैं, आई वी फ्लूड दोस्तों इसमें कितना ml पर मिनट में कितना ml दे सकते हैं इसमें आई वी फ्लूड, इसमें आई वी फ्लूड हम क्या नाम है 61 ml, अब क्या करते हैं इसमें हम 61 ml पर मिनट के हिसाब से हम इसमें आई वी फ्लूड दे सकते हैं दोस्तों। अगर 61 ml पर मिनट में हम दे सकते हैं इस कैनुला से, तो हमें एक 500 ml का बोतल ख़त्म करने के लिए कितना टाइम लगेगा इसमें, ओनली 8 मिनट्स। 8 मिनट में हम क्या करेंगे, 8 मिनट में इस पिंक कलर के कैनुला से हम 8 मिनट में एक 500 ml का बोतल हम फिनिश कर सकते हैं। 8 मिनट में क्या करते हैं, हम एक 5 ml का जो 500 ml का जो आता है वो हम क्या करते हैं, 8 मिनट में हम क्या करते हैं, ख़त्म कर सकते हैं इससे दोस्तों। ये कौन सा कैमरा है, 20 नंबर का कैमरा है, और इसका जो फ्लो है आप लोगों को बताई दिया 61 ml पर मिनट। ये हम किस लिए बता रहे हैं दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि आप कैनुला तो आराम से लगा लेते हैं, हर कोई आज के टाइम में 1 हफ्ता या 10 दिन प्रैक्टिस करेगा कैनुला लगा लेता है, लेकिन उसको पूरी नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी होता है। पूरी नॉलेज रहने का मतलब यह है कि कभी भी इंटरव्यू के लिए जाएगा या अदर कहीं पर जाएगा, उसके रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन होने लगता है तो इस कैनुला पर भी क्वेश्चन उठता है। क्यों उठता है, इसका कारण है, इसका कारण यह है कि मान के चलो पेशेंट क्या नाम है डिहाइड्रेशन का आ गया, उसके शरीर में बिल्कुल फ्लूड नहीं है, उसके शरीर में बिल्कुल फ्लूड नहीं है, उसका बीपी बिल्कुल डाउन है, तो आप इमिडिएटली आपको बोला जाएगा कि कैनुला लगाओ, कौन सा साइज़ का आप कैनुला लगाओगे। अगर आपको पता रहेगा कि इसको फ्लूड की ज़रूरत है, ज़्यादा से कम टाइम में इसको ज़्यादा फ्लूड देना है, तो क्या करोगे आप, 16 नंबर का उसको कैनुला डालोगे या 18 नंबर का कैनुला डालोगे उसको, उसको 22 नंबर का कैनुला नहीं डालोगे। क्यों, क्योंकि 22 नंबर का कैनुला अगर डालोगे तो फ्लूड लेट जाएगा तो पेशेंट क्या होगा, तब तक शॉक में चला जाएगा, बीपी उसका गिर जाएगा, तो क्या करेगा वो, शॉक में चला जाएगा, उसकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ कि ताकि जो कैनुला जो होता है, किस टाइम में कौन सा कैनुला का हम इस्तेमाल करना चाहिए इमरजेंसी में, जिस टाइम चाहे ओटी में हो आप, चाहे आईसीयू में हो, जिस टाइम जिस कैनुला का ज़रूरत पड़ता है वही कैनुला लगाना चाहिए। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि किस कैनुला से हम कितना मिनट में फ्लूड को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया 20 नंबर का कैनुला, 20 नंबर के कैनुला के बारे में आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 20 हो गया, 22 हो गया, 24 हो गया और 26 हो गया, इसके बाद कौन सा कैनुला आता है, 20 के बाद कैनुला आता है 18 नंबर। देखिए दोस्तों, कैनुला का जो साइज़ होता है, हर दो दो करके गैप करके कैनुला का साइज़ बनाया जाता है। जैसे मान के चलिए कि कैनुला 16 नंबर है, 16 नंबर क्या होता है, सबसे ज़्यादा फ्लूड 16 नंबर में दे सकते हैं, 16 नंबर के बाद उससे कम फ्लूड किस में दिया जाता है, 18 नंबर, दो का गैप हुआ, 18 के बाद कितना आएगा, 20 नंबर आएगा, 20 नंबर के बाद कितना आएगा, 22 आएगा, 22 के बाद 24 आएगा, 24 के बाद 26 आएगा, हर दो दो का गैप करके कैनुला को, जो कैनुला का गेज होता है उस हिसाब से कैनुला को हम लेंथ जो होता है उस हिसाब से बनाया जाता है, उसका जो डायमीटर होता है उस तरीके से उसको हम सेप बनाया जाता है उसको।
तो 20 का आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट कैमरा बता रहा हूँ, 22 नंबर, सॉरी 18 नंबर, 18 नंबर का कैमरा है दोस्तों। 18 नंबर का कैमरा को देखेंगे आप कलर से। 18 नंबर का जो कैमरा है वो किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर का कैमरा क्या होता है? 18 नंबर का होता है। आप कलर देख के ही पहचान जाओगे कि ये कौन सा नंबर का है, 18 नंबर का कैमरा है। अब दोस्तों 18 नंबर का कैनुला का जो डायमीटर होता है, जो इसकी इसका जो नीडल अंदर होता है उसका डायमीटर कितना होता है दोस्तों? उसका डायमीटर जो होता है दोस्तों, 18 नंबर का जो कैनुला का डायमीटर होता है 1.3 mm होता है। 1.3 mm का इसका डायमीटर होता है दोस्तों। और क्या नाम, इसका लेंथ जो होता है, इसका लेंथ जो होता है दोस्तों, लेंथ जो होता है 45 mm होता है। 45 mm का इसका क्या होता है? लेंथ होता है। और 1.1 mm का, 1.3 mm का क्या होता है? इसका डायमीटर होता है। और इसका फ्लो रेट दोस्तों सबसे ज़्यादा होता है, ज़्यादा का मतलब इसका फ्लो जो होता है 91 ml/min। 1 मिनट में कितना होता है? 91, 91 ml/min के हिसाब से हम इसमें फ्लूड दे सकते हैं। अगर 91 ml के हिसाब से हम 1 मिनट में फ्लूड दे रहे हैं 91 ml, तो दोस्तों एक 500 ml का बोतल ख़त्म करने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा? 5.5 मिनट ओनली, ओनली 5.5 मिनट, 5.5 मिनट, 5.5 मिनट में हम 500 ml का बोतल इससे फिनिश कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों हम ज़्यादातर सर्जरी वगैरह में जो आईवी फ्लूड दिया जाता है उस टाइम में बहुत फास्ट आईवी फ्लूड दिया जाता है। इसलिए हम 5.5 मिनट में हम क्या करेंगे, 18 नंबर के कैनुला से फ्लूड हम दे सकते हैं। और लास्ट आप लोगों का बचा 16 नंबर। 16 नंबर का कैनुला जो होता है दोस्तों, 16 नंबर का जो कैनुला का कलर होता है वो ग्रे कलर का होता है। ग्रे कलर का कैनुला होता है दोस्तों। और ग्रे कलर का कैनुला होता है, उसका जो डायमीटर होता है, उसका जो डायमीटर होता है ग्रे कलर का कैनुला का, वो 1.8 mm होता है। 18 नंबर का कितना था? 1.3 था। लेकिन जो 16 नंबर होता है ये इससे भी मोटा होता है, 18 नंबर से भी मोटा होता है 16 नंबर। 16 नंबर का कितना डायमीटर होता है? 1.8। और इसका जो लेंथ होता है, लेंथ इसका होता है 45 mm ही होता है। और इसका जो क्या नाम है, फ्लो होता है दोस्तों 236, 236 ml/min, 236 ml/min में इसमें हम आईवी फ्लूड दे सकते हैं दोस्तों। अगर 236 ml/min में हम फ्लूड देंगे तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होगा 2 से 3 मिनट में हम क्या करेंगे, आईवी फ्लूड को पूरा दे सकते। 500 ml हम 2 से 3 मिनट में, 3 मिनट में हम आईवी 500 ml फिनिश कर सकते हैं दोस्तों। ये सारी जानकारियाँ दोस्तों आप लोगों को आईवी कैनुला के बारे में मिली है, जो डीपली जानकारी आप लोगों को मिली है दोस्तों। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि कैनुला जो होता है वेन में लगाया जाता है हमेशा। हमेशा कहाँ लगता है? वेन में लगता है। ब्लड क्या होता है? आर्टरी में भी होता है, वेन में भी होता है। लेकिन क्या होता है कि हम वेन में ही क्यों लगाते हैं, आर्टरी में क्यों नहीं लगा सकते हैं? ये क्वेश्चन है दोस्तों। हम आर्टरी में इसलिए नहीं लगा सकते हैं क्योंकि आर्टरी का जो प्रेशर होता है, आर्टरी का जो प्रेशर होता है वो बीपी जैसे आपका चलता है ना 120/80 या 140/80, तो 140 के प्रेशर से, 140 के प्रेशर से ब्लड पंप करता है उसमें। और आपका प्रेशर कितना आ रहा है? आपका प्रेशर आईवी फ्लूड का बहुत कम आ रहा है। तो क्या करेगा, आर्टरी में अगर लगाओगे तो क्या करेगा, वो जाके आपके बोतल में भर जाएगा। और दूसरा, अगर आर्टरी में आपने कोई भी मेडिसिन दे दिया तो उस टाइम में बहुत डेंजर हो जाता है। आपने देखा था अभी बीच में पटना में किसी स्टाफ ने क्या किया, वेन की जगह आर्टरी में इंजेक्शन दे दिया और क्या हुआ, वो गैंग्रीन बन गया पूरा, हाथ को काटना पड़ा उसके। तो इसलिए दोस्तों दो चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कभी भी जब कैनुला लगाओगे, आप कैनुला लगाओगे तो वेन होता है, वेन को ऐसे दबोगे तो आराम से वेन आपको दबेगा, जैसे गुब्बारा होता है, गुब्बारे को दबाओगे तो दबेगा। उस तरीके से क्या होता है कि हमारी जो वेन होता है, वेन आराम से दबता है, वेन अपना आराम से दिखता भी है। जैसे इस तरीके से ये मेरा वेन दिख रहा है, ये मेरा वेन दिख रहा है, इस वेन में आराम से तुम आप कैनुला लगा सकते हो। और इसको देखोगे ऐसे पलपेट करके कि हाँ रास्ता है पूरा ठीक है। कभी कभी होता है कि केवल आपको वेन दिखता है लेकिन उसमें फ्लो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वह वेन सूख जाती है और उसमें आप कैनुला डाल दोगे तो जाएगा ही नहीं, वो ब्लड आएगा ही नहीं। और दूसरा, कभी कभी लोग होता है कि जिसको अध्ययन नहीं रहता, यहाँ पे भी कैनुला डालता है लोग। यहाँ पे क्या होता है, आर्टरी होती है, आर्टरी और वेन दोनों होता है। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे
कितने लोग आर्टरी में डाल देते हैं, और यहाँ पे भी कभी कभी क्या होता है, आर्टरी वेन दोनों होता है, तो यहाँ पे भी कभी कभी क्या होता है, लोग वेन की जगह आर्टरी में डाल देते हैं। तो वेन और आर्टरी में आप पता कैसे करोगे, बाई चांस आपने डाल दिया, बाई मिस्टेक इमरजेंसी में आपको डालना है, इधर कहीं आपको वेन नहीं मिल रहा है तो आपको यहाँ डालना है, और यहाँ आपने डाला आर्टरी में चला गया। आर्टरी में जो होता है पता कैसे करोगे, आर्टरी में आर्टरी का जो प्रेशर होता है बहुत प्रेशर के साथ ब्लड आता है, बहुत प्रेशर के साथ ब्लड आता है, तो आप समझ जाइए तुरंत ही वेन में नहीं आर्टरी में, इसको फटाक देना, तुरंत निकाल दो और वहाँ पे प्रेशर से दबा दो, थोड़ी देर में वो बंद हो जाएगा। लेकिन अगर वेन में लगेगा तो वेन में क्या होता है, उतना प्रेशर नहीं होता है, वेन में बहुत कम प्रेशर होता है, ड्रॉप ड्रॉप करके गिरेगा वो, समझ जाओ कि वे वेन में है दोस्तों। इसलिए आर्टरी और वेन में भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि आर्टरी में लगाना चाहिए कि वेन में लगाना चाहिए, ये भी क्वेश्चन आता है कभी कभी दोस्तों। तो आप लोगों को ये सारी वीडियो के बारे में आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में आप लोग बताइएगा ज़रूर, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों। आज के वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।